हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वीरा शेंडगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन के ऊपर प्रेस करो ताकि इस तरह के आने वाली वीडियोस आप देख सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले बटरफ्लाई वॉल असेंबली जो है, इसका जो बॉडी है उसको कैसे ड्रॉ करना है क्रियो में विद इन फ्यू स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स में, ईजी वे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैसे ड्रॉ करना है क्रियो सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले हमें क्रियो सॉफ्टवेयर में न्यू फाइल स्टार्ट करनी है। यहाँ पे न्यू पे फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है बॉडी जो पार्ट का नाम है, और उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि यहाँ पे पार्ट है, यहाँ पे सब टाइप सॉलिड सिलेक्टेड है, और यहाँ पे जो टिक मार्क है उसको रिमूव करना है, अनचेक करना है इस बॉक्स को और ओके के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद हमें MMNS पार्ट सॉलिड को सिलेक्ट करना है ताकि हमारे पार्ट्स के डायमेंशन जो है ये मिलीमीटर में आ जाएंगे, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंचेस में रहते हैं। तो इसलिए हमें MMNS पार्ट सॉलिड सिलेक्ट करना है और ओके के ऊपर प्रेस करना है। इसके बाद हमें डाइवर्ट किया जाएगा पार्ट मॉडलिंग में, पार्ट वर्कबेंच में। तो यहाँ पे हम वो जो बटरफ्लाई वॉल असेंबली है उसकी जो बॉडी है इसका व्यूज़ हम ड्रॉ कर सकते हैं, 3D मॉडल वहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है कि कौन से व्यूज़ दिए हैं और उसके डायमेंशंस कौन से दिए, ताकि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है और कंप्लीट कहाँ पे करना है। तो यहाँ पे है फ्रंट व्यू, इसके साइड में जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, और ऊपर जो देख रहे हैं आप यहाँ पे टॉप व्यू है। तो सबसे पहले हमें तो ये आउटर सर्कल है यहाँ पे ये ड्रॉ करना है, जिसका रेडियस है 140 mm, और उसको इतने हाइट से एक्सट्रूड करना है। ये जो हाइट है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल हाइट आपको दिख सकती है यहाँ पर 225। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें ये टॉप व्यू है, वहाँ पर हमें क्या करना है, 140 mm का सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसलिए हमें टॉप प्लेन सेलेक्ट करना है और स्केच के ऊपर क्लिक करना है, ताकि हमें फिर से स्केचर वर्क बेंच में डाइवर्ट किया जाएगा। तो सेंटर लाइन लेना है हमें, सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें सर्कल ड्रॉ करना है, जिसका रेडियस है यहाँ पे पहले सबसे रेडियस में कन्वर्ट करना है और टाइप करना है आपको 140 mm, और यहाँ से एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करने के बाद हमें यहाँ पर एक्सट्रूड करना है उसको, और एक्सट्रूड भी कैसा करना है, हमें सिमेट्रिक एक्सट्रूड करना है। तो ये सेकंड नंबर का ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, और टोटल एक्सट्रूड हाइट है 225 mm। सो इतना कंप्लीट करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये ड्रॉ करना है। तो ये पोर्शन ड्रॉ करने के लिए हमें फिर से टॉप व्यू सेलेक्ट करना है, टॉप व्यू सेलेक्ट करना है, लेकिन अभी इस टाइम हमें टॉप प्लेन नहीं सेलेक्ट करना, हमें ये सरफेस सेलेक्ट करना है। ये सरफेस सेलेक्ट करने के बाद स्केच के ऊपर क्लिक करना है और फिर से सेंटर लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, और हमें ये जो पार्ट है इसका एज जो है इसको प्रोजेक्ट करना है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लिक करना है आपको। ओके, ये प्रोजेक्ट हो गया, और इसके बाद हमें ये पोर्शन ड्रॉ करना है। तो ये पोर्शन यहाँ पे एक सेमी सर्कल है और यहाँ पे सेंटर में एक सर्कल है, ये दोनों सर्कल है, दोनों का सेंटर पॉइंट सेम है, और वो जो सेंटर पॉइंट है वो यहाँ पे सेंटर लाइन से इधर 175 mm डिस्टेंस के ऊपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे, इस हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन पे सर्कल ड्रॉ करना है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये हमें 175 mm टाइप करना है यहाँ पे, और 175 mm डिस्टेंस के ऊपर ये सेंटर आ गए। इसके बाद हमें दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, एक सेंटर का है और दूसरा सेमी सर्कल है। सेंटर का सर्कल है उसका डायमीटर है 47, और आउटर जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर रेडियस है 50 mm। तो ये दो सर्कल हमें ड्रॉ करने, इसका है डायमीटर 47, और एक सर्कल ड्रॉ करना है, और इसका रेडियस हमें लेना है 50 mm। ओके, 50 mm रेडियस कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये जो सर्कल है यहाँ तक है, वैसे ही यहाँ पर नीचे है। तो इसी टाइप की हमें दो लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ से लाइन कमांड लेके यहाँ से यहाँ ये सर्कल तक एक लाइन ड्रॉ करनी, और फिर यहाँ से ये सर्कल तक एक लाइन ड्रॉ करनी। तो इसी तरह हमें दो लाइन ड्रॉ करना है, और इसके बाद जो पोर्शन हमें नहीं चाहिए उसको डिलीट करना है। तो इसलिए हमें डिलीट सेगमेंट के ऊपर क्लिक करना है, और ये पोर्शन नहीं चाहिए, ये जो हमने प्रोजेक्ट किया है इधर का ये पोर्शन नहीं चाहिए, फिर ये सर्कल का ये अंदर का पोर्शन नहीं चाहिए, तो इसको भी हमें डिलीट करना है। और ये आप देख सकते हैं ये पोर्शन, जितना पोर्शन नहीं चाहिए उतना हमने डिलीट किया, और ये कंप्लीट हो गया हमारा स्केच। भी यहाँ से हमें एग्ज़िट करना है, और एग्ज़िट करने के बाद इस पोर्शन को हमें एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड नीचे की तरफ एक्सट्रूड करना है, इसलिए यहाँ पे जो आ रहे हैं इसको
नीचे की तरफ डायरेक्शन करना है, अदरवाइज़ यहाँ से भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। और उसका एक्सट्रूड थिकनेस कितना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 32 mm इसका हाइट है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 32 mm टाइप करना है और ये आ गया हमारा ये पोर्शन, ये कंप्लीट हो गया। और इसी तरह के हमें और तीन यहाँ पे चाहिए, तो इसीलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक है, ये दूसरा है, ये थर्ड है। तो इस टाइप के ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे एक चाहिए और यहाँ पे, टोटल थ्री क्वांटिटी में चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ये जो हमने अभी ड्रॉ किया है, क्रिएट किया है, उसको हमें पैटर्न करना है, एक्सियल पैटर्न। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एक्सट्रूड है अभी ड्रॉ किया है उसको सिलेक्ट करना है और पैटर्न के ऊपर क्लिक करना है। और एक्सिस चाहिए हमें ये एक्सिस, तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे डायमेंशन में जाके डायमेंशन के बदले यहाँ पे एक्सिस को सिलेक्ट करना है और फिर ये एक्सिस सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आउट 360 डिग्री में चाहिए और कितना चाहिए, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस थ्री चाहिए, तो थ्री एंटर करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह के यहाँ पे नीचे वाले सरफेस के ऊपर भी चाहिए, तो हमें सिंपली क्या करना है, ये जो पैटर्न किया है उसको सिलेक्ट करना है और मिरर करना है अबाउट दिस सेंटर प्लेन और ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये पोर्शन क्रिएट हो गए। तो ये पोर्शन कंप्लीट होने के बाद हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्सट्रूड पोर्शन है, 575 का डायमीटर है, उसको सर्कल ड्रॉ करना है, उसको अप टू दिस सरफेस एक्सट्रूड करना है। और सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे एक सर्कल है, उसको यहाँ पे ड्रॉ करके, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ड्रॉ करके ये जो कर्व पोर्शन है यहाँ तक एक्सट्रूड करना है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक प्लेन चाहिए, सेंटर से इधर एक प्लेन चाहिए और सेंटर से इधर एक प्लेन चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इधर का प्लेन कितने डिस्टेंस के ऊपर है, ये जो एज है ये सेंटर प्लेन से 160 mm डिस्टेंस के ऊपर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो है ये टॉप व्यू के ऊपर क्लिक करना है और फिर इसको थोड़ा टिल करके ये जो प्लेन है इस प्लेन को सिलेक्ट करके प्लेन के ऊपर क्लिक करना है, ताकि और एक प्लेन हम इधर ले सकते हैं और इसका डिस्टेंस है 160 mm। तो 160 mm के ऊपर एक प्लेन को ओके के ऊपर क्लिक करना है। एक प्लेन क्रिएट किया हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये मॉडल ट्री में यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ DTM दैट इज़ डाटम प्लेन 1 एक क्रिएट हुआ। और एक प्लेन हमें क्रिएट करना है, वो यहाँ पे देख सकते हैं ये पोर्शन ड्रॉ करने के लिए। तो ये सरफेस से ये सरफेस का डिस्टेंस हमें दिया है टोटल 325। तो हमें क्या करना है, और एक प्लेन लेना है, इस प्लेन को पैरेलल और इस डायरेक्शन में लेना है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, तो उसका डिस्टेंस आपने यहाँ पे देखा है कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे 325। सो हमें क्या करना है, 325 mm यहाँ पे डिस्टेंस एंटर करना है। 325 एंटर करने के बाद हमें ओके के ऊपर क्लिक करना है और फिर इस प्लेन को सिलेक्ट करो और स्केच के ऊपर क्लिक करना है। स्केच के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करके एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर है 75 mm। यहाँ पे सर्कल, जो ये कौन सा सर्कल है, यहाँ पे ये जो सर्कल है ये 575 का, और ये एक्सट्रूड अप टू दिस नेक्स्ट सरफेस तक करना है हमें। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसका डायमीटर है 75 एंटर करना है और यहाँ से एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करने के बाद यहाँ पे हमें एक्सट्रूड करना है, रिवर्स डायरेक्शन में जाना है और यहाँ पे अप टू नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। ये कंप्लीट होने के बाद हमें फिर क्या करना है, जो डेटम प्लेन 1 क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर स्केच करना है। तो इसीलिए स्केच को सिलेक्ट करना है और फिर सेंटर लाइन यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, सेंटर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करना है और उसका डायमीटर कितना है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी, तो इसका डायमीटर आप यहाँ पे देख सकते हैं 200 mm। सो हमें यहाँ पे डायमीटर जो है वो 200 mm एंटर करना है और यहाँ से एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्कल क्रिएट होगा, इसको हमें क्या करना है, एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के बाद उसको अप टू नेक्स्ट सरफेस तक एक्सट्रूड करना है और ओके के ऊपर क्लिक करना है। ये कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होल है, उसका फ्रंट व्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे
ज़्यादा डायमीटर है और इसके अंदर जो होल है उसका डायमीटर थोड़ा कम है एज़ कम्पेयर टू दिस सर्कल, तो इसे बोलते हैं काउंटर बोर टाइप होल। तो हमें होल क्रिएट करना है काउंटर बोर टाइप होल, तो इस सरफेस के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस सरफेस के ऊपर होल क्रिएट करना है, तो होल के ऊपर प्लेस करना है। क्लिक करने के बाद जो सरफेस है उसको सिलेक्ट करना है, जिसके ऊपर होल चाहिए उस सरफेस के ऊपर प्लेस करना है, और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके ये जो एक्सिस है उसको सिलेक्ट करना है, ताकि हमारा होल जो है कोएक्सियल होल आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आप शेप देख सकते हैं, सिंपल होल है, उसको कन्वर्ट करना है काउंटर बोर में। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे हमें क्लिक करना है, ताकि ये ऑप्शन हमें यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद अब यहाँ पे आप शेप में देख सकते हैं ये काउंटर बोर टाइप होल है, और इसके डायमेंशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलो डायमेंशन देखते हैं, इसका डायमीटर कितना है, इसकी हाइट कितनी है, फिर टोटल हाइट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितनी है, और ये अंदर वाला जो होल है इसका डायमीटर कितना है। तो सबसे पहले ये इसका डायमीटर हमें एंटर करना है। तो ये सबसे अंदर जो होल है उसका डायमीटर है 56.2 mm है, तो हमें यहाँ पे एंटर करना है 56.2 mm। और उसके बाद इसका हाइट कितना है देखना है, 156 यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आया है, लेकिन यहाँ पे स्केच में आप देख सकते हैं इसका यहाँ से यहाँ तक का ये डेप दिया है, तो आप देख सकते हैं 310 mm। सो हमें यहाँ पे एंटर करना है टॉप से यहाँ तक 310 mm। एंटर करने के बाद एंटर के ऊपर प्रेस करना है, और उसके बाद हमें ये हाइट जो डायमीटर ज़्यादा है उसका डायमीटर और उसकी हाइट ही एंटर करना है। तो हमें यहाँ पे ये देखो इसका डेप्थ है 25 mm और इसका डायमीटर है 100 mm, तो ये दो एंटर करना है हमें। ये डायमीटर है 100 mm और ये जो है 25 mm है, 25। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखो इसका जो बेस है वो थोड़ा कोनिकल दिख रहा है, तो वो फ्लैट चाहिए हमें। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये देखो ये फ्लैट है, हमें कोनिकल नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एंगल दिया है वो टोटल 180 डिग्री लेना है, 180 एंटर करना है। ये देखो आप फ्लैट देख सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है, तो हमारा ये काउंटर बोर होल क्रिएट हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये तीन होल्स ड्रॉ करना है, उसको बोलते हैं डायमीटर होल, क्योंकि ये रेफरेंस सर्कल जो है कंस्ट्रक्शन सर्कल उसके ऊपर उसका जो पेरीफेरी है उसको सेंटर कंसिडर करके ये होल स्ट्रॉ किए। तो वो कितना है बी सी डी, 150 mm का बी सी डी है। तो हमें क्या करना है, कोएक्सियल होल स्ट्रॉ करने है देखो यहाँ पे। तो इसीलिए हमें क्या करना है, होल्स में ये जो सरफेस है इसके ऊपर हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे होल्स के ऊपर क्लिक करना है, और फिर जो सरफेस के ऊपर चाहिए उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लेन है, इस प्लेन को हमें सिलेक्ट करना है, कहाँ पे प्लेसमेंट में जाना है, और लीनियर के बदले हमें डायमीटर सिलेक्ट करना है, और फिर क्लिक हियर टू ऐड, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके एक प्लेन सिलेक्ट करना है और एक्सिस सिलेक्ट करना है। ये दोनों सिलेक्ट करने के लिए हमें कंट्रोल प्रेस करके रखना है, और एंगल हमें 0 एंटर करना है। ओके, ताकि हमारा ये जो होल है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो होल है एग्जैक्टली टॉप आएगा, एग्जैक्टली दिस वर्टिकल लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए हमें ये एंगल इस प्लेन से 0 डिग्री एंटर करना है, और ये जो डायमीटर है वो हमें 150 mm बी सी डी है तो एंटर करना है। ये कंप्लीट हो गया, अभी हमें क्या करना है, ये देखो बी सी डी 150 mm है, ये कंप्लीट होगा। अभी होल के डायमेंशंस हमें एंटर करने हैं, उसका डायमीटर है 20.3 और डेप्थ है 15 mm। सो हमें क्या करना है, 20.3 एंटर करना है, और डेप्थ जो है वो 15 mm एंटर करना है। ये कंप्लीट होगा, ओके के ऊपर क्लिक करना है। इसी तरह हमें कोएक्सियल एंड डायमीटरल होल्स ड्रॉ करने हैं। ये जो होल है ये कोएक्सियल होल है, काउंटर बोर टाइप का कोएक्सियल होल है, और ये जो है ये डायमीटरल होल है। तो इसी तरह हमें डायमीटरल होल ड्रॉ करना है, और ये इसको पैटर्न करना है हमें। सो यहाँ से होल सिलेक्ट करना है, और उसको पैटर्न के ऊपर प्रेस करना है, और यहाँ पे जाके एक्सिस को सिलेक्ट करना है, और अबाउट दिस एक्सिस हमें पैटर्न करना है। तो इस एक्सिस को हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें 3 एंटर करना है, 3
टोटल नंबर ऑफ होल्स कितने चाहिए, 3, और कितने एंगल में चाहिए, टोटल 360। तो इसीलिए हमें ये टैब को एक्टिवेट करना है ताकि ये एंगल काउंट हो जाएगा, तो ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो इसी तरह ये होल्स क्रिएट हो गए। इसके बाद यहाँ पे एक होल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये होल है, डायमीटर 194 का होल है, थ्रू होल है टॉप से लेके बॉटम तक। सो इसीलिए हमें क्या करना है, डायमीटर 194 का होल ड्रॉ करना है। तो होल के ऊपर क्लिक करना है और जिस सरफेस के ऊपर होल चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इसका एक्सिस हमें सिलेक्ट करना है, ये ताकि को एक्सियल होल आ जाएगा। ये कंप्लीट होने के बाद हमें उसका डायमीटर एंटर करना है 194, और डेप्थ जो है वो अप टू नेक्स्ट करना है ताकि टोटल थ्रू होल आ जाएगा, और ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो ये हो गया हमारा बॉडी, ये देखो ये सब कुछ हमने ड्रॉ कर दिया जो चाहिए। ये जो बटरफ्लाई वॉल असेंबली है इसकी जो बॉडी है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सिंपल इजी स्टेप्स में कैसे ड्रॉ करना है ये हमने आज देखा है। तो इसी तरह के पार्ट्स आप और भी स्टडी कर सकते हैं, देख के बना सकते हैं। तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन, और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो ताकि इस तरह के आने वाले वीडियोज़ आप देख सकते हैं। थैंक यू।